नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हम सभी के इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है डॉक्टर शर्मा संजीवनी होम्योपैथी। मैं हूं डॉक्टर विभूति शर्मा संजीवनी होम्योपैथी रायपुर छत्तीसगढ़ से। दोस्तों, लीवर को डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आपने बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर देखे होंगे या आपको बहुत सारी सलाह दी जाती होगी। आज इसी टॉपिक पर मैं बात कर रहा हूं, और क्या तरीका है लीवर के डिटॉक्सिफिकेशन का, मतलब लीवर में जो गंदगी जम रही है। लीवर की गंदगी का नाम है कोलेस्ट्रॉल। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल यदि आपकी बॉडी में हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका लीवर ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। आपका पेट यदि ठीक से साफ नहीं होता, आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी भी हो रही है, और आपका खाना ठीक से नहीं पच रहा है, और यदि खाना पचने में समस्या इस तरह से आए कि जो मोशन है वो चिपचिपा हो रहा है, तो समझ जाइए कि आपको तकलीफ हो रही है आपके लीवर की तरफ से। मतलब कहीं ना कहीं डाइजेशन की समस्या है, कहीं ना कहीं लीवर कमजोर पड़ रहा है। और मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे जिसमें ऐसी बातें कही गई है कि आप एक महीने में एक बार या छह महीने में एक बार कोई एक जूस पी लें तो लीवर डिटॉक्सिफाई हो जाएगा। दोस्तों, बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप कोई एक काम महीने में या छह महीने में एक बार कर लें और वो हमेशा पूरे एक साल भर 365 दिन आपका चलता रहे। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए ऐसे भ्रामक वीडियो से थोड़ा सा आपको बचना है। दूसरी चीज, आप को मैं एक विशेष तरीका बता रहा हूं जिससे आप इसे अपनी रेगुलर लाइफ में शामिल कर लें। जैसे ही आप इसे अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे, एक तरह का जूस है जिसे आप अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे, आपका लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस रोज होता रहेगा। मैं कोशिश करता हूं कि आप को ये सलाह दूं कि हफ्ते में दो दिन, कम से कम दो दिन और दो लगातार दिन आप इसे लें, और फिर आप महसूस करेंगे कि आपकी बॉडी की टॉक्सिसिटी खत्म हो रही है, फ्री रेडिकल्स जो जनरेट होते थे वो खत्म हो रहे हैं, आपकी स्किन क्लियर हो जाएगी, आपका चिपचिपा मोशन पूरी तरह खत्म हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, लीवर का जो काम है वो मैं आपको एक एक करके गिना रहा हूं। लीवर बहुत इम्पोर्टेंट है और लीवर का ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। लीवर का सबसे मेन काम है कार्बोहाइड्रेट और फैट का डाइजेशन। लीवर कोलेस्ट्रॉल को बनाने का काम करता है। लीवर बहुत सी मेडिसिंस को एक्टिव करने का काम करता है। लीवर प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करता है, लीवर कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है, लीवर आपके हार्मोन्स बनाता है, बहुत सारे उसका सिंथेसिस करता है। मतलब बिना कोलेस्ट्रॉल के आप हार्मोन्स का यूज आपकी बॉडी नहीं कर पाएगी। लीवर बहुत सारी दवाइयों का एक्सक्रीशन करने में मदद करता है, उनका मेटाबॉलिज्म करने में मदद करता है। लीवर का काम है बाइल यानी पित्त रस को बनाने का, और ऐसे बहुत सारे कामों में कुछ महत्वपूर्ण काम और हैं, जैसे स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन। लीवर जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है और उसको स्टोर करता है बॉडी में एनर्जी के फॉर्म में, विटामिन्स को स्टोर करता है, मिनरल्स को स्टोर कराता है। तो ऐसे बहुत सारे काम है। इसमें एक और काम जो है वो है प्लाज्मा प्रोटीन्स की सिंथेसिस। जो प्लाज्मा प्रोटीन्स आपके ब्लड में हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उनको बनाने का काम भी लीवर करता है, और उसमें एल्बुमिन है, क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे महत्वपूर्ण काम लीवर के हैं। अब चलिए बात करते हैं उस प्रोसेस की, जिस प्रोसेस को मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बहुत ज्यादा लोगों ने इसे मुझे पूछा था, तो मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूं। लीवर को यदि आपको डिटॉक्सिफाई करना है, डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस करना है, तो आपको बहुत सिंपल तरीका बताने जा रहा हूं। आपके लगभग सभी के घरों में आजकल पपाया प्लांट मिलता है, पपीता। पपाया की जो लीव्स होती हैं, पपाया की लीव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और लीवर का जो पूरा रोल है, पूरा इंपॉर्टेंस है, वो
डाइजेशन से रिलेटेड, तो लीवर यानी लीवर और पपाया ये समझ लीजिए कि दोनों एक साथ कनेक्टेड है। आपने देखा होगा लीवर का जो साइज होता है, लीवर राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन में होता है इस जगह पे ऐसा पूरा, और लीवर का जो साइज है जितना बड़ा लीवर होता है आप फोटो देख सकते हैं, वो दिखेगा आपको ऐसे जैसे कोई एक पपाया रखा हुआ है। लीवर पूरा ऐसा शेप बना हुआ है जो पपाया शेप में, आपने देखा होगा, आप इसको नोटिस कीजिएगा। और लीवर में जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उसको करेक्ट करने का काम है पपाया का। आपने एक और चीज नोटिस की होगी कि डेंगू फीवर जब होता है तो प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाती है क्योंकि वायरल लोड बहुत बढ़ जाता है, आरबीसी बहुत टूट जाती है, लाल रक्तकण बहुत ज्यादा डैमेज होते हैं, और लाल रक्तकण की जो डैमेज है उसको रिकवर करने के लिए पपाया के जूस का यूज किया जाता है, पपीते का जूस। पपीते में कौन सा जूस? पपीते की पत्तियों का जूस, जी हाँ। तो आपको लीवर के सपोर्ट के लिए पपीते की पत्तियां लेनी है। अब कितनी लेनी है? इतनी कि आप कम से कम दो चम्मच चटनी बना सकें, दो चम्मच चटनी बना सकें। अब आप ये सोच रहे होंगे डॉक्टर साहब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये बहुत कॉमनली यूज होता है गाँव में और हर्बल मेडिसिन में बहुत यूज होता है। मैं पिछले कई सालों में, लगभग 10 साल की मेरी प्रैक्टिस होगी, और इन 10 सालों में सैकड़ों पेशेंट्स को ये बोल चुका हूं और उन्होंने इसको प्रैक्टिकली किया हुआ है। एक महीना भी यदि लगातार आप ये करते हैं तो आप अगले 6 महीनों तक की रिकवरी कर जाते हैं। तो यदि आप लीवर को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको इतनी पत्तियां लेनी है पपाया पपीते की, और वो भी हफ्ते में 2 बार ही यूज कीजिए, और यदि आप रेगुलर कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। और पत्ती लेने के बाद उसको पीस दीजिए, इसके साथ कुछ भी मिक्स मत कीजिएगा, कुछ भी मिक्स मत कीजिए, इसको नेचुरल वो जैसा है वैसा ही धो लीजिए, कट कर लीजिए, और उसका जो मिल्क वाला पोर्शन होता है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और उसकी चटनी जैसे बन जाती है वो आपने बना दी। और इसमें डाला आपने 1 ग्लास वाटर, 1 ग्लास पानी लिया आपने, और आपको बस पी जाना है और कुछ नहीं करना। हाँ, आप थोड़ा सा ये कर सकते हैं कि यदि आपको टेस्ट बहुत ज्यादा कड़वा लग रहा है या बहुत ज्यादा अलग सा टेस्ट महसूस हो रहा है तो आप थोड़ा सा एक चुटकी नमक यूज कर सकते हैं, सेंधा नमक। लेकिन दोस्तों मैं उसकी भी सलाह नहीं देता, जब तक इस तरह का कोई भी आइटम, इस तरह का कोई भी वस्तु आपकी बॉडी में न जाए जो थोड़ा सा कड़वा है, तो वो बिल्कुल भी आपको फायदा नहीं करने वाला। दूसरी बात, करेले का जूस भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए मैं इसकी सलाह नहीं देता हूं। तीसरा जो जूस होता है वो है गाजर का जूस। इतना गाजर ले लीजिए कि आप 1 ग्लास जूस निकाल पाए और बस पी लेना है, ये जूस थेरेपी है। लेकिन जो मैंने पपाया की बात की, पपाया की लीव्स की, मतलब पपीते की पत्तियों का जूस, दुनिया में हर जगह इसका उपयोग होता है हर्बल मेडिसिन में, और जो डाइटिंग के कंसल्टेंट होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, वो इसकी सलाह देते हैं, और लीव की सलाह। तो लीव वाले जितने जूसेस हैं वो बहुत, कोरिएंडर लीव धनिया की जो पत्तियां हैं उसका भी जूस आप यूज कर सकते हैं, टोमेटो यूज कर सकते हैं, ग्रीन टोमेटो, पके हुए टमाटर नहीं, हरे वाले कच्चे टमाटर, उसके साथ आप धनिया डाल दीजिए, थोड़ा सा टेस्ट मिक्स कर दीजिए और उसका जूस बना लीजिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है और वो होता है पपाया लीव्स। इसके साथ में आपने देखा होगा एक बुई नीम आती है जो सबसे कड़वी नीम होती है, और ये आयुर्वेद की भाषा में इसे कालमेघ कहा जाता है, तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं। लेकिन कालमेघ बहुत ज्यादा कड़वा होता है, इसलिए मैं सलाह कम देता हूं, यदि कर पाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन प्लीज कोशिश कीजिए कि आप हफ्ते में 2 दिन या तो आप लगातार ले लीजिए, या पहले दिन और तीसरे दिन ले लीजिए, या तीसरे दिन और 7वें दिन ले लीजिए। आप कोशिश कीजिए कि हफ्ते में 2 दिन आप पपाया की पत्तियों का जूस लेंगे, और इस बीच जब आप ये जूस लेंगे उस दिन आप कोशिश करें बिल्कुल भी मसालेदार खाना उसके 1 दिन पहले और 1 दिन बाद तक आप नहीं लेंगे। आप नोटिस करेंगे अगले 1 महीने के भीतर आपकी बॉडी बहुत हल्का महसूस करेगी, एसिडिटी, कब्ज, गैस,
पेट फूलना, खट्टी डकारें, सीने में जलन, गले में जलन, सब कुछ बंद हो जाने वाला है। और इस आदत को हमेशा बनाए रखिए। आदत आशा है आपको ये वीडियो बहुत इफेक्टिव साबित होगा और आप इसे प्रैक्टिकली कर पाएंगे। और यदि आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। जय हिंद, जय भारत।